नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों पर चार्जशीट के जरिए नई जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ब्रजभूषण की घटना स्थल पर मौजूदगी साबित होती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में चार तस्वीरें दी हैं। चार्जशीट में जो तस्वीरें दी गई हैं उसमें ब्रजभूषण शिकायत करने वाली महिला पहलवानों में से एक की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पहलवान के मुताबिक जिस जगह उनके साथ शोषण हुआ वहां पर ब्रजभूषण के फोन लोकेशन से उनके वहां होने की पुष्टि हुई है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के मुताबिक यौन उत्पीड़न की जगह यानी दिल्ली के अशोक रोड पर कुश्ती महासंघ के दफ्तर में ना तो सीसीटीवी था ना ही विजिटर्स के लिए रजिस्टर बुक था। चार्जशीट के मुताबिक कुश्ती महासंघ के अधिकारियों ने पुलिस के नोटिस पर चार तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में शिकायतकर्ताओं के साथ विदेश में ब्रजभूषण दिख रहे हैं। दो तस्वीरों में सिंह पहलवानों के करीब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि तस्वीरों कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि 6 में से 5 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की जो जगह बताई हैं वहां सिंह मौजूद थे। उत्तर भारत में भारी बारिश ने काफी तबाही मचा दी है। अकेले हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में अतिरिक्त मौतों की सूचना मिली है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ संभावित क्षेत्रों से निवासियों को निकाला गया है और पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया गया है। मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 20 से अधिक मौतें हुई जिससे मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जबकि 3 दिनों में बारिश की गतिविधि कुछ कम हो गई है। विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक में इस बार 24 पार्टियां हिस्सा लेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 17 जुलाई को डिनर पर तमाम विपक्षी नेताओं को बुला सकती हैं। विपक्षी एकता के लिए अगली बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की संभावना है। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी एंट्री दी जा रही है। दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर पहली पटना बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में स्पष्ट टकराव के बाद भी आपको निमंत्रण दिया गया है। खबर है कि 17 जुलाई को सोनिया गांधी पार्टी के सभी नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित कर सकती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही बैठक रात 11:30 बजे से खत्म हुई। बैठक में अमित शाह ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के अनुमान लगाए जा रहे थे। दरअसल अमित शाह रात 8 बजे के लगभग भोपाल पहुंचने वाले थे। उधर उनके आगमन के ठीक पहले शाम को सिंधिया का राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम प्रदेश में बदलाव की संभावनाओं से जोड़ दिया गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरे दिन चलता रहा मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सिंधिया को सत्ता की बागडोर मिलने की चर्चाएं भी सरगर्म हो गईं। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान खेमे में अब जान पड़ गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के खेवनहार अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है, मौजूदा स्थिति में ही चुनाव लड़ना और जीतना है। बैठक में अमित शाह ने सभी नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि सभी को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करनी है और चुनाव लड़ना है, खास तौर पर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर और वे सीटें जहां पर बीजेपी या तो 2018 में हारी थी या बेहद कम मार्जिन के अंतर से जीती थी। व्यापम घोटाले जैसे एक और भर्ती घोटाला होने का आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहा है। पटवारी भर्ती में सत्तारूढ़ दल भाजपा के एक विधायक के परीक्षा केंद्र से न केवल 114 अभ्यर्थियों का चयन हो गया बल्कि टॉप 10 में 7 परीक्षार्थी इसी केंद्र से आए हैं। सभी टॉपर्स के प्राप्त अंक करीब एक एक जैसे होने से गड़बड़ियों की आशंका गहराई है। विवाद में आए बीजेपी के विधायक का नाम संजीव सिंह कुशवाहा है। वो भिंड शहर से विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ग्वालियर में NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। दरअसल विधायक के सेंटर से टॉप 10 में से 7 ने जगह बनाई है। इन 7 टॉपर्स ने कुल 200 अंक वाली पटवारी परीक्षा में 174.88 से लेकर 183.86 अंक तक हासिल किए हैं। विधायक के सेंटर से 114 परीक्षार्थियों का चयन हुआ है। टॉप में आए 7 उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सीरीज भी एक जैसे अंक 24.88 से आरंभ हुई है। साथ में 5 चयनित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं। हस्ताक्षर कॉलम में 5ों ने अपना नाम भर लिखा है। टॉपरों में 7 एक ही सेंटर से होने, हस्ताक्षर ना करके सीधे सीधे नाम लिखे जाने और हिंदी में दस्तखत करने वाले अभ्यर्थियों के अंग्रेजी विषय में 100% अंक आने के साथ साथ अन्य कई कथित वजहों के चलते
फर्जीवाड़े के आरोपों की गूंज हो रही है। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ताहिर के खिलाफ ये 5 FIR दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन 5 केस में ताहिर को जमानत दे दी। हालांकि इसके बावजूद ताहिर हुसैन हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दंगे की साजिश के आरोप में UAPA के तहत मामला दर्ज है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में TMC ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है। बुधवार सुबह तक राज्य चुनाव आयोग के अनुसार TMC ने 34,359 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल कर ली, साथ ही 752 सीटों पर आगे चल रही है। इसकी निकटतम प्रतिद्वंदी BJP 9,545 सीटें जीत चुकी है और 180 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन बेहतर के बाद अब पंचायत समिति और जिला परिषद के वोटों की गिनती शुरू होने के बाद भी TMC पहले नंबर पर है। भाजपा दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन तृणमूल के साथ उसकी सीटों में काफ़ी फासला है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा है। जिला परिषद की कुल 928 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 475 सीटें या तो जीत ली हैं या उन पर काफ़ी आगे चल रही है। भाजपा को अब तक 17 सीटें मिली हैं, जबकि CPM को 7 और कांग्रेस को 4। GST काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर पूर्व में 18% टैक्स लगता था। काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर लगने वाले GST में कटौती करने का फैसला किया। अब इन पर 18% के बजाय 5% टैक्स लगेगा। वहीं कैंसर की दवा डायरूटेक्स मैव के आयात पर लगने वाले GST को भी खत्म करने की मंजूरी दी है। दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर अब GST नहीं लगेगा। ये फूड काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें आमतौर पर विदेशों से आयात करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई यानी अगले सोमवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी बिल्किस बानो केस से जुड़े 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। अब इस पर सुनवाई 17 जुलाई के बाद होगी। बता दें, बिल्किस बानो के साथ 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। दंगों में बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इन सभी को गुजरात सरकार ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया था। इस पर आपत्ति जताते हुए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े केस में पत्नी के अलावा उसके 3 कुत्तों के लिए भी पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। तलाक ले चुकी 55 साल की महिला ने अपील की थी कि उसके 3 कुत्तों के लिए पति भरण पोषण दे। कोर्ट ने कहा कि पालतू पशु भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं। कोर्ट ने 50,000 भत्ते का आदेश दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।